हेलो दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे पहले की तरह। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल हे ब्रो वी ब्लॉग में। जैसा कि आप देख सकते होंगे, हमें कोई टॉपिक नहीं मिला था सुबह से, इसलिए हम शाम को थोड़ा अपने फ्रेंड के साथ टहलने के लिए आया था मैं। तो मैंने सोचा रेलवे ट्रैक पे चलता हूँ, इधर ही कुछ फ़ोटो वगैरह क्लिक कर लूँगा। और देख सकते हैं आप, ये पूरा रेलवे ट्रैक है, यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं। और ये शाहदरा नई दिल्ली पुरानी दिल्ली जाता है। और आप यहाँ से देख सकते हैं, ये इस साइड की तरफ जाएगा आपका शामली, बागपत, बड़ौद, हरिद्वार, हर जगह के लिए पहुँच जाएंगे आप यहाँ से। और मैं यहाँ पर बस आया था थोड़ा सा इंजॉय करने के लिए कि अपने टहल आते हैं और थोड़ी सी मौज कर लेते हैं। और वहाँ से देखिए बहुत ट्रेन आ रही है, और मैं कोशिश करूँगा थोड़ी सी इस वीडियो को, ब्लॉग को टाइम लैप्स बनाने की, क्योंकि मुझे भी टाइम लैप्स वीडियो बनानी नहीं आती है, लेकिन मैं ट्राई करके देखूँगा कि टाइम लैप्स वीडियो बनती कैसे है। सामने से ट्रेन आ रही है और मैं कोशिश करूँगा कि बन जाए। आप देख सकते हैं यहाँ का वातावरण कैसा है, इधर पानी भरा हुआ है, इधर की साइड में आप देख सकते हैं आपको देखने को मिल जाएगा। और भाई इधर से आ रही है ट्रेन, और भाई मेरे पीछे कुछ बच्चे आए हुए हैं, ये भी फ़ोटो शूट वगैरह करने के लिए आए हुए हैं। आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप, तो फ्रेंड हम वापस घर आ चुके हैं। जैसा कि रात हो चुकी थी, ना ही तो फोटो खींच पाए और ना ही टाइम लैप्स वीडियो बन पाए, फिर भी एक छोटी सी वीडियो मैंने बनाई थी, क्लिप की थी, मैं डाल चुका हूँ, देख लेना। और फ्रेंड वीडियो पे ध्यान नहीं आ रहा है आपका, थोड़ा बहुत भी, क्या करोगे कैसे करोगे मुझे नहीं पता। प्लीज़ इस वीडियो पे कम से कम, ज़्यादा नहीं तो 30-40 कमेंट तो चाहिए चाहिए। व्यू लाइक की कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट ज़रूरी है, क्योंकि तो कमेंट से ही हम सीखते हैं और कमेंट से ही हमें पता चलता है कि हमारे अंदर कमी क्या क्या है, क्या हम छोड़ रहे हैं। और आपको भी ये सीखना चाहिए कि देखो से क्या हो रहा है, किस हिसाब से आपका ब्लॉग चल रहा है, कैसे आप ब्लॉग कर रहे हैं। मुझे नहीं आता, लेकिन मैं और बंदों का ब्लॉग देखता हूँ, उन्हीं को देख देख कर मैं भी बना देता हूँ। वीडियो अपलोडिंग वगैरह का जो भी प्रोसेस रहता है, वो भी मैं वीडियो देखकर ही करता हूँ। वैसे मैं अभी तक बहुत कुछ सीख चुका हूँ, मार्च में से अब तक लॉकडाउन था जब स्टार्ट हुआ था, जब से लेके अब तक मैं वीडियो के बारे में ही रोज़ पढ़ता था, रोज़ देखता था, रोज़ वीडियो देख रहा हूँ एक से एक। तभी जाकर मेरा बहुत कॉन्फिडेंट हुआ है वीडियो बनाने का और ये ब्लॉग चैनल बनाने का। मेरा एक और चैनल है मिस्टर फन पंडा के नाम से, जहाँ पर कुछ फनी और एंटरटेनमेंट वीडियो मिलती है। अभी उस पर कुछ काम नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरे पास कोई कंटेंट नहीं है उसको बनाने के लिए। कंटेंट तो बहुत है, ये मैं नहीं कह सकता कि कंटेंट नहीं है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। अभी भी मैं लगा हुआ हूँ बनाने के लिए,
कि कोई ना कोई ऐसा कंटेंट मिल जाए जिससे कि कुछ हमारी वीडियो चले, नहीं तो अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। एक महीने करीब हो चुका है, मैं अभी कोई वीडियो नहीं डाल रहा। तो फ्रेंड एक बार जाए और देखे कैसी है वीडियो। और मैं अब उस चैनल पर अपना, पहले मैं वॉइस ओवर में वीडियो बनाता था और अब मैं उस चैनल पर अपना फेस रिवील करके वीडियो बनाऊंगा, जिससे कि देखने वाले को भी अच्छा लगे और मुझे भी अच्छा लगे। और फ्रेंड ऐसे ही वीडियो पे बने रहिए, अपना प्यार दिखाइए। आप है तो हम हैं तो ये जगह है, और कुछ नहीं है। जैसे आए हैं ऐसे ही चले जाएंगे, ना कुछ साथ आया था ना कुछ साथ जाएगा। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं इस टाइम मैं वापस आकर अपने घर में बैठ गया हूँ। यह मेरा छोटा सा सेटअप है जहाँ पे मैंने कर रखा है, या ये फोटो लग रही है मेरी, ट्राइपॉड खड़ा हुआ है, तो पीछे बिना बैटरी वाला ड्रोन, उसकी अभी कोई बैटरी नहीं। तो फ्रेंड आगे और वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट व्लॉग बनेगा। ट्राई कर रहा हूँ कि सुबह आपको एक टेंपल है, टेंपल को व्लॉग बनाएं, पर पता नहीं कि वो सुबह मिलेगा खुला या नहीं, लेकिन हम ट्राई ज़रूर करेंगे कि सुबह मॉर्निंग में आपको कल एक व्लॉग दिखाया जाए, जिसमें आपको यहाँ का एक टेंपल दिखाऊंगा। मैं नाम मैं अभी बता नहीं रहा हूँ, नाम आप कल ही बताएंगे। और भाई वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। कमेंट में बताना ज़रूर ना भूलें कि वीडियो कैसी लगी, और ये ध्यान से ज़रूर करना, क्योंकि वीडियो जब ही अच्छी बनेगी जब तक आपकी राय नहीं होगी। ओके फ्रेंड, बाय। तो फ्रेंड हुआ कुछ ऐसा था, हमारी वीडियो बनाने के 14 घंटे बाद इसी रेलवे ट्रैक पर, जिस ट्रैक पर अभी ट्रेन गई थी, उसी ट्रैक पर सुबह तकरीबन 8 बजे के करीब एक लड़का कानमर अपने लीड लगाकर जा रहा था, ईयरफोन कह सकते हैं आप, और उसको आवाज़ नहीं सुनाई दी ट्रेन की, और वो ट्रेन की चपेट में आ गया और उसकी बहुत दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। और इस पर मुझे बड़ा अफसोस हुआ, और मैं आप सभी को अवेयर करना चाहता हूँ इस चीज़ से कि आप कहीं भी बाहर जाए, चाहे रोड पर जाए, चाहे रास्ते पर जाए, चाहे कहीं भी जाए, कृपया करके दोनों के दोनों ईयरफोन अपने कान में ना लगाएं। एक ईयरफोन अपना बाहर रखें और एक ईयरफोन अपना कान में लगाएं उसको सुनने के लिए, क्योंकि इससे बढ़िया यही होगा कि लेट पहुँच जाए अपने जगह पर लेकिन जल्दी ना जाए। और ऐसी जल्दी जाने का क्या फ़ायदा जो इस जगह हम पहुंच ही ना पाए। तो दोस्तों आपसे मैं निवेदन करता हूं कि कभी भी ऐसी गलती ना करें, बाइक वाइक पे या पैदल वैदल कहीं भी जा रहे हो तो इस चीज़ का दुरुपयोग ना करें, हमेशा लीड ना लगाएं, अपने कान में ईयरफोन का इस्तेमाल ना करें। धन्यवाद।